देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। माँ वैष्णो देवी जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और नए साल पर माता वैष्णो के दर्शन मिल जाएं तो नए साल की शुरुआत इससे अच्छी हो नहीं सकती। लेकिन साल की शुरुआत में ही वैष्णो देवी में एक ऐसा भीषण हादसा हो गया जिसने कई घरों की खुशियां छीन ली। पहाड़ों पर विराजमान माँ वैष्णो देवी मंदिर जिनके दर्शन के लिए वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कुछ विशेष मौके पर ये भीड़ कई गुना तक बढ़ जाती है। चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन आज भी यही माना जाता है कि माता अपने दर्शन के लिए भक्तों को खुद बुलाती हैं। यही वजह रही कि इस साल भी भक्तों ने 2022 यानी कि नई साल की शुरुआत करने कड़ाके की ठंड में माता के धाम पहुंचे। इस यात्रा में चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सभी शामिल हुए। साल 2022 की शुरुआत में वैष्णो देवी में हुए इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। दरअसल नए साल का पहला दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए 12 श्रद्धालुओं के लिए काल बनकर आया। देश दुनिया जब नए साल के जश्न में डूबी थी, उसी दौरान करीब 2:15 बजे माता वैष्णो देवी धाम में भगदड़ की दर्दनाक घटना हुई। इसमें अभी तक की आधिकारिक जानकारी में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक, प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी बात पर बहस को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। माता वैष्णो का आशीर्वाद लेने गए परिजनों की मौत की खबर मिली तो लोग हाल बेहाल हो गए। देश भर से लोग अपने परिजनों का हाल जानने के लिए संपर्क कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर लोग कॉल करके अपने परिजनों का हाल ले रहे हैं। इसके अलावा मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले अब तक कुछ लोगों की ही पहचान हो पाई है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि आधी रात करीब 2:45 बजे माता वैष्णो देवी भवन पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमा थी। भीड़ इतनी थी कि दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालु भी आसानी से गुजर नहीं पा रहे थे। भीड़भाड़ के बीच दो गुटों में कहासुनी हुई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। उस वक्त एक दूसरे के धक्का देने से हालत खराब हो गई और अचानक भगदड़ मच गई।
इसके बाद वहां पर लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते वहां पर घायलों की चीख पुकार से सारा मंजर ही बदल गया। जब तक माहौल कुछ शांत हुआ, वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पर कुछ समय पहले तक श्रद्धालुओं की भीड़ मां वैष्णो के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, वहां पर अब रोते बिलखते लोग थे। चारों तरफ लोगों का सामान फैला हुआ था, चप्पल, जूते और खून हर तरफ नजर आ रहा था। नव वर्ष के पहले ही दिन हुए इस हादसे ने उन लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया जिनके अपने माँ वैष्णो के दर्शन को गए थे और इस हादसे का शिकार हो गए। इसके साथ ही इस दुखद घटना ने सभी देशवासियों को भी गहरा दुख दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वैष्णो देवी हादसे की जांच के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग की अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य गृह सचिव करेंगे। इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर घटना की पूरी जानकारी दी है और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस मामले में हर संभव सहायता देने का भरोसा देते हुए हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और यलो को 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में हुए इस हादसे ने नए साल में कई घरों की खुशियां छीन ली। हादसे में अपने परिजनों को गंवाने वाले लोगों की आंखें आंसू से नम हो चुकी हैं और इस हादसे में किसी ने अपने माता पिता तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है। इस हादसे ने कई परिवार को ऐसे गम दिए हैं जो कभी भी भुलाए नहीं भूले जाएंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।